हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो डिश मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो डिश हम आसामीसों के फेवरेट डिशों में से वन ऑफ द फेवरेट डिश है, कुमड़ा हाँ मांस, मतलब पेठे के साथ डक मीट। अगर आप लोग असम आए और कुमड़ा हाँ मांस नहीं खाए तो क्या खाएं? अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन है और आप ये डिश ट्राई करना चाहते हैं तो आपको असम आने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको घर बैठे ही बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज जो डक करी हम लोग बनाने वाले हैं, वो डक हम लोगों की बुआ घर से लेके आई थी, तो हम लोग इसको घर पे साफ़ कर लिए हूँ। देखिए, इस तरीके से साफ़ करने के बाद आग के ऊपर आप लोग थोड़ा सा भून लीजिएगा। ऐसे करने से क्या होता है, डक के ऊपर जो छोटा छोटा पर रहता है वो भी जल जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग कुमड़ा ले लेंगे। कुमड़ा मतलब पेठा, सरसों का तेल, गर्म मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, हरी मिर्च, टमाटर, दो लहसुन, दो प्याज, दो आलू, अदरक और थोड़ा सा काली मिर्च। चलिए हम लोग शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कुमड़ा को, मतलब एश गॉड या पेठा जो भी बोले आप लोग, उसको हम लोग छील लेंगे, काट लेंगे। उसके बाद आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन को भी छील के हम लोग काट के रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, हम सभी एक साथ बैठे हुए हैं और मैं सब्जियां छील रही हूँ। कियान हम लोगों को देख देख के हंस रहा है। फ्रेंड्स, देखिए, मैं इस ओर सब्जियां काट रही हूँ और बाकी के लोग मुझको मीट काट के रेडी करके देंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मौसम है डक खाने के लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए, और साथ में आप लोग दूर में देख पा रहे हैं कि नहीं, ऊपर देखिए कटहल भी लगा हुआ है। मौसम बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, ऐसे सुहाना मौसम में गरम गरम चावल के साथ कुमड़ा हाँ मांखो मिलेगा तो किसको पसंद नहीं आएगा। तो आप लोग भी वीडियो में आगे तक बने रहिए। फ्रेंड्स, आज का जो डिश है वो मैं चूल्हे पे बनाऊंगी, क्योंकि चूल्हे पे कोई भी मीट आप लोग बनाए ना, उसका टेस्ट और भी दुगना हो जाता है। तो मैं चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई बिठा दी हूँ और उसके ऊपर जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तब हम लोग वहाँ पे तेल डाल देंगे। मैं सरसों का तेल 3 चम्मच मुताबिक डाली हूँ। फ्रेंड्स, क्या आप लोग पैर के ऊपर दो पैरों वाला बंदर देखे हैं? नहीं देखे हैं तो ये देख लीजिए। फ्रेंड्स, तेल गरम होते ही वहाँ पे मैं तेजपत्ता डाल दूंगी। ये जो तेजपत्ता है ना, ये भी घर से एकदम फ्रेश तोड़ के लाई हूँ और कढ़ाई में डाल दी हूँ। तेजपत्ते को डाल देने के बाद वहाँ पे जो हम लोग प्याज काट के रखे थे उसको डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से हम लोग भूनेंगे जब तक कि वो प्याज लाल ना हो जाए। पत्ता और प्याज को अच्छी तरह से भूनते भूनते देखिए मीट भी रेडी हो चुका है। वो लोग मीट काट के मुझको रेडी करके दे दिए हैं। अभी मैं इसको साइड में रख दूंगी और प्याज और तेज पत्ते को अच्छी तरह से भून लूंगी। मैं इस ओर प्याज भून रही थी और दूसरी ओर मेरा बेटा, बुआ का लड़का, मतलब मेरा छोटा भैया, तीनों मिल के बदमाशियां कर रहे हैं। देखिए,
अभी इस ओर मेरा प्याज भून के रेडी हो चुका है। अभी वहाँ पे मैं मीट डाल दूंगी और उसको भी अच्छी तरह से भूनूंगी। प्याज और तेजपत्ते के साथ 5 मिनट तक मीट को भूनने के बाद वहाँ पे नमक और हल्दी डालेंगे और उसको 5 मिनट तक मैं भूनूंगी। नमक और हल्दी के साथ 5 मिनट तक भूनने के बाद वहाँ पे मैं काली मिर्च और टमाटर डाल के भूनूंगी। काली मिर्च को मैं साबुती डाल दी हूँ, उसको ऐसे ही मैं 5 मिनट तक और भून लूंगी। फ्रेंड्स, प्याज, नमक, हल्दी, तेजपत्ता, काली मिर्च और टमाटर के साथ 10 मिनट तक भूनने के बाद वहाँ पे हम लोग जो लाल मिर्च का पाउडर है उसको डाल देंगे। लाल मिर्च को डाल देने के बाद वहाँ पे जो गरम मसाला था उसको डाल देंगे। उसके बाद धनिया पाउडर डाल देंगे और साथ में जीरा पाउडर को भी डाल के हम लोग उसको अच्छी तरह से भूनेंगे। सभी चीज़ों के साथ 10 मिनट तक भूनने के बाद हम लोग अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के रखे थे उसको आधा डाल देंगे और आधा बाद में डालेंगे। अदरक लहसुन के साथ भी अच्छी तरह से भूनने के बाद हम लोग वहाँ पे जो कटे हुए आलू था उसको डाल देंगे और साथ में जो कुमोड़ा मतलब पेठे है उसको भी हम लोग डाल के उसको अच्छी तरह से भूनेंगे। फ्रेंड्स, आलू और पेठे के साथ 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूनने के बाद वहाँ पे जो हम लोग अदरक लहसुन का और मिर्ची का पेस्ट थोड़ा सा बचा के रखे थे वहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के हम लोग मीट के अंदर डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से हिला के हम लोग ढक के रख देंगे। देखिए, उस ओर हम लोगों का ढककरी उबल रहा है। उसके नीचे अच्छी तरह से आँच लगा दीजिए और उसको ढक के 30 मिनट तक उबलने दीजिए हाई फ्लेम में। इस मिनट बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि हम लोगों का ढककरी हुआ कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, सारे पीठे गल के गायब हो चुका है, आलू भी गल चुका है। कितना टेस्टी लग रहा है ना फ्रेंड्स। देखिए, हम लोगों का ढककरी बन के रेडी हो चुका है। इसको लेके हम लोग अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स, गरम गरम चावल हो, साइड में प्याज, भुट जलकिया, मिर्ची के अचार, नींबू और साइड में गरम गरम कुमड़ा और मांस हो तो क्या चाहिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, दिन भर मेहनत करने के बाद अभी सभी मिलके हम लोग खाना खा रहे हैं। देखिए, आज हम लोग खा रहे हैं ट्रेडिशनल असमीज डिश,
मदद करी। बहुत सालों बाद हम लोग एक हुए हैं और एक साथ खाना खाएंगे। आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय।